हाँ वैसे तो कल जैसा कि अपन ने बात किया था, हमें एक्सरसाइज 1 डिस्कस करनी है ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो आप लोग डाउट्स पूछिए उसके। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का F1। तो देखो, सबसे पहले F1 देख लेते हैं। लेंसेज आर कंस्ट्रक्टेड बाय मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द पॉसिबल लेंसेज विद द अबव स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो देखो बेसिकली तीन तरह के लेंसेज पॉसिबल हैं। केस 1, कॉन्वेक्स हो जाए, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 2/1
minus 1, 1 by 20 minus of 2 minus 1 is 1, 1 by 20 plus 1 by 30 में LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 63 plus 2, तो focal length की value आ जाएगी 60 by 5 याने 12 second. दूसरा केस क्या पॉसिबल है बेटे, कि कॉनकेव लेंस ही हो जाए. वन बाई एफ इज टू माइनस वन, वन बाई माइनस ट्वेंटी माइनस वन बाई प्लस थर्टी, टू माइनस वन इज वन, और यहां पर एलसीएम आ जाएगा 60 माइनस थ्री माइनस टू, तो एफ की क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 सेंटीमीटर. और केस थ्री क्या है बेटे, वो है कि कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस ऐसा बनता है और एक की रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसकी 30 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे, 1 by f is 2 minus 1 into 1 by 20 minus 1 by 30. तो ये कितना आ जाएगा, 60. या ऐसा हो जाए कि 20 और 30 के उल्टे हो जाए, ये वाला 30 हो जाए, ये वाला 20 हो जाए, तो क्या लिखेंगे, 1 बाई एफ एस 2 माइनस 1, 1 बाई 30 माइनस 1 बाई 20, तो ये 60 2 माइनस 3, तो f की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, माइनस 60. चार पॉसिबल आंसर आ जाएंगे, 12 माइनस 12, 60 एंड माइनस 60, 12 माइनस 12, 60 एंड माइनस 60. ये है F1. F1 के बाद जो लोगों को डाउट है वो है F3. F3 देखिए क्या है बेटे, गिवन एन ऑप्टिकल एक्सिस MN and the positions of real object AB and its image A dash B dash, determine grammatically the position of the lens, its optical center, or its foci, is it a converging or diverging lens, is the image real or virtual. ये सारी बातें हमको पता कर,
देखो मेरे एंड पे दिखा रहा था कि आई एम कनेक्टेड, लेकिन किसी बच्चे का मेरे को मैसेज आया कि सर आप डिसकनेक्टेड हो गए हो। हाँ 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 यही मैसेज आया कि आप डिसकनेक्टेड हो गए हो। तो मैंने उसको बंद करके स्टॉप करके वापस से रीस्टार्ट किया। जबकि इंटरनेट कनेक्शन एंड एवरीथिंग वाज फाइन, बट आई डोंट नो ये दिस मेरी तरफ से मेरे को लग रहा था। हाँ 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 ओके। तो बच्चों वो F3 वाला क्वेश्चन शायद नहीं देख पाए थे आप लोग। F1 तो कंप्लीट हो गया था, F3 की हम बात कर रहे थे। F3 में देखो हमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज रियल बट इमेज इज इन्वर्टेड। ये दो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई। ये दो इंफॉर्मेशन हमको दी हुई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि इमेज मस्ट ऑल्सो बी रियल, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ही इन्वर्टेड बनती है ना। रियल ऑब्जेक्ट की अगर वर्चुअल इमेज बनती तब तो इरेक्ट बन जाती। और हम यहां से एक बात और बोल सकते हैं कि ओनली अ कन्वर्जिंग लेंस कैन फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो देखो ओके, तो ये दो इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्वेश्चन में हमसे मांगी थी कि बताओ इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल, लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज इन्वर्टेड होता है बेटे। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। और देखिए क्या है, ये हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट और ये दी हुई है उसकी इमेज। तो देखो क्या होगा। अच्छा अब हमें ढूंढना है कि लेंस रखा हुआ कहाँ पे है। तो एक बात हमें पता है कि वो रे जो सीधी निकल गई, वो रे जो कि सीधी निकल गई है वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ही गई होगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, क्योंकि हमें दिया हुआ है MN जो है, दिस लाइन इज ऑप्टिकल एक्सिस, ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ये हमें गिवन। इसका मतलब क्या है के ऑप्टिकल सेंटर ये वाला पॉइंट होना चाहिए, ये ऐसा लेंस बन रहा।
यहाँ से एक पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो वो इसके फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही होगी और रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ बेटे देखो, ये लेंस और मिरर में क्या होता है, लेंस में अगर ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ बन रहा है तो वो रियल बनेगा, और अगर इमेज दूसरी तरफ बन रही है तो ये रियल इमेज है। लेकिन अगर इमेज इसी तरफ बन जाती तो फिर वो वर्चुअल होती है ना। आपको बस ऐसा सोचना है, देखो रियल और वर्चुअल की डेफिनेशन वही एप्लीकेबल होगी जो मैंने तुम्हें लगभग फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही बता दी थी। क्या कि अगर इमेज जहां पे बन रही है वहां पर एक्चुअल में रेस प्रेजेंट है तो वो रियल है ना। हाँ अब देखो मिरर में भी यही डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है, लेकिन मिरर में क्या होता है, रेज रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर मिरर के पीछे इमेज बनती है तो वो वर्चुअल होती है, मिरर के सामने बनती है तो वो रियल होती है। लेंस में दूसरी साइड पर इमेज बन रही है तो वो रियल है, और सेम साइड पे बन रही है तो वो वर्चुअल, ठीक है। ये F3 हो गया। उसके बाद कुछ लोगों को F4 में डाउट था तो F4 देख लेते हैं भाई। F4 क्या है बेटे? अ थिन लेंस मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हैज मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ऑन वन साइड एंड μ3 ऑन द अदर साइड। The lens is biconvex and two radii of curvature has equal magnitude r। देखो बेटे, इसमें दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है। लेंस तो μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, दूसरी तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3, और बाइकॉन्वेक्स है और मैग्नीट्यूड रेडियस का r हमें दिया हुआ है। अब देखो इस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसकी एक कंडीशन होती है कि लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम होता। तो क्या होगा, हमें दो बार कर्ल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे मानते हुए। तो मैं लिखूंगा N2 by V, V को लिख दूंगा V1 माइनस N1 by U इक्वल टू N2 minus N1 by R। एक इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, N2 by V। अब जो इमेज बन रही है उसी को फोकस देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी का हुआ है मैंने। N2 by V माइनस N1 by U, इमेज V1 हो जाएगी इक्वल टू N2 minus N1 by R। ये इक्वेशन टू आ जाएगी। अब क्या है, दोनों को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशंस 1 and 2। एफ कैसे आया भाई, जो इमेज बनेगी ना ये पैरेलल रेज जहां पर फाइनली कन्वर्ज करेंगी उसी को तो अपन फोकस कहेंगे। ये जो पॉइंट है ये क्या है, फाइनल इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो
तो यही तो फोकस, इसी को फोकस करें, फाइनल इमेज का ही तो कोऑर्डिनेट ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस के, कौन सा वी बेटे, वी वन, वी वन जो ये वाली सरफेस इमेज बनाएगी वो वी वन होगा, वो एक तरीके से इंटरमीडिएट इमेज होगी, है ना। हमें तो फाइनल इमेज से मतलब है कि दोनों से रिफ्रैक्शन होने के बाद कहां पर इमेज बन रही उसको फोकस करेंगे। समझ में आई बात भाई। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो म्यू टू बाई वी वन से माइनस म्यू टू बाई वी वन कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, म्यू थ्री डिवाइडेड बाई एफ, ये बराबर आ जाएगा किसके, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, और प्लस म्यू टू माइनस म्यू थ्री बाई आर, क्योंकि यहां पर माइनस आर था तो म्यू थ्री माइनस म्यू टू की जगह क्या हो गया, म्यू टू माइनस म्यू थ्री, तो यहां से आ जाएगा म्यू थ्री डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू टू म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री डिवाइडेड बाई आर। तो वन बाई एफ की क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू थ्री से डिवाइड कर दो, टू म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री डिवाइडेड बाई म्यू थ्री इंटू आर, यस आर, ये बात क्लियर है भाई सब। हाँ बिल्कुल, वो जो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो सिर्फ तभी लगा सकते हैं जबकि दोनों तरफ मीडियम सेम। वो फॉर्मूला लगाने के तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन लेंस मेकर फॉर्मूला, बिल्कुल सही, लेंस मेकर फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा जबकि दोनों तरफ मीडियम सेम हो। पहली कंडीशन क्या होती है, नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेज होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है लेंस थिन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, तभी वो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब अगला जो डाउट था वो F6 था, है ना, F6 अगला डाउट था आप लोगों का। F5 में तो डाउट नहीं है, F6 क्या बोल रहे हैं, an object of height 1 cm is set at right angles to the optical axis of a double convex lens of optical power 5D and 25 cm away from the lens. Determine the focal length of the lens, the position of the image, the linear magnification of the lens and height of the image formed by it. So, beta, ye F6 toh, it looks to be a very straightforward question. F6 ho gaya. F6 किसी को डाउट है तो मैं बताऊं, वरना कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हो गया F6 तो। ओके, तो फिर आगे चलें। F6 के बाद और कौन सा डाउट था बेटे, एक बार फिर से बता दो मेरे को। आफ्टर F6, F7, तो F7 क्या है, a lens placed between a candle and a fixed screen forms a real triply magnified image of the candle on the screen, है ना। तो देखो एक लेंस है और वो कैंडल की इमेज बनाता है स्क्रीन पर, और वो इमेज कैसी होती है बच्चों, ट्रिपली मैग्निफाइड इमेज, दैट इमेज इज ट्रिपली मैग्निफाइड।
मतलब इसकी हाइट एच है तो इमेज की हाइट 3h बनेगी, ये डिस्टेंस एक्स है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, दिस डिस्टेंस विल कम आउट टू बी 3x. ये x है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी 3x, क्योंकि ट्रिपली मैग्निफाइड है तो 3x है. अब ये बोल रहे हैं कि लेंस को हमने मूव करवाया और 0.8 मीटर मूव करवाया विदाउट चेंजिंग पोजीशन ऑफ कैंडल, रियल इमेज 1/3 द साइज ऑफ कैंडल इज फाउंड ऑन द स्क्रीन. अब इसको हमने मूव करवाया, यहां ले आए, फिर से इमेज बनती और कितना मूव करवाना पड़ा, 0.8 मीटर. तो देखो बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड जैसा ही क्वेश्चन हो गया ना. क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगी. अब कैंडल की डिस्टेंस लेंस से हो जाएगी 3x और स्क्रीन की डिस्टेंस हो जाएगी जहां पर इमेज बन रही है x. तो अब सीधी सी बात है कि अब मैग्निफिकेशन 1/3 ही आएगा. अब ये 0.8 जो है इसको हम 3x माइनस x ऐसा लिख सकते हैं, ये 3x में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.8 आ जाएगा. तो 0.8 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4. ये ऐसी x की वैल्यू इतनी आ जाएगी. ठीक है बेटे, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिटरमाइन करनी है तो अब हम लेंस फॉर्मूला लगा के पता लगा सकते हैं. 1 by V minus 1 by U is 1 by F. V को क्या लिख देंगे, 1.2. U को लिख देंगे minus 0.4 equal to 1 by F. तो क्या हो जाएगा, 1 by F is 1 by 1.2 plus 1 by 0.4. तो यहां से 1.2 LCM आ गया, 1 plus 3, ये ऐसी 1 बाई एफ की वैल्यू आ जाएगी. तो एफ हो जाएगा कितना, 1.2 डिवाइडेड बाई 4 यानी 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर. इज दिस क्लियर? ओके. F7 के बाद सीधे जो अगला डाउट मेरे सामने है वो है F11. 8, 9, 10 में डाउट है किसी को, F9 में डाउट है. F9 में एक बच्चे को डाउट है. रेडियस ऑफ सन इतना दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इतना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ सन फाउंड बाय लेंस ऑफ फोकल लेंथ. देखो बेटे, रेडियस ऑफ सन दिया हुआ है 0.75 × 10⁻⁹ मीटर. तो डायमीटर ऑफ सन कितना हो जाएगा इसका, ट्वाइस, 1.5 × 10⁻⁹ मीटर. ठीक है. अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ हमें दी हुई है 1.5 × 10⁻¹⁰ मीटर. ठीक है. तो देखो, बेसिकली एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इन रेडियंस ये कितना आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा
1.5 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 की पावर 11, तो 1/100 रेडियन का ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब डायमीटर ऑफ इमेज अगर आपको लिखनी है तो वो आ जाएगा एफ थीटा, और एफ हमें कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर थीटा को सीधे सीधे रेडियन में पुट कर दो 1/100, तो डायमीटर आपके पास सेंटीमीटर में ही आ जाएगी, 0.4 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ सन। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने एफ थीटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है अर्थ पे, तो उसकी जो इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, एफ थीटा हो जाएगी। हाँ बेटा, कौन पूछ रहे थे ये डाउट, उसको क्लियर हो गया जिसने पूछा था एफ नाइन, किसी एक बच्चे ने पूछा था भाई। ओके, एफ नाइन के बाद अगला क्या डाउट है, एफ 11, 12, 13, 14, ओके, तो एफ 11 की बात करते हैं, कुछ बच्चों को एफ 11 में डाउट है, एफ 11, 12, 13, 14 इन सब में डाउट है। एफ 11 में क्या बोल रहे हैं बेटे, अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, डाइवर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 20, तो डाइवर्जिंग शब्द भी इस्तेमाल किया गया है और 20 बोल रहे हैं, तो F को -20 लिखें। इज प्लेस्ड कोएक्सियली 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक कन्वर्जिंग मिरर से 5 सेंटीमीटर लेफ्ट में रख रखा है। और उसके फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको -10 रख। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव ही कन्वर्जिंग मिरर होता है और उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ही लेते हैं। Where should an object be placed towards left of the lens so that a real image is formed at the object itself? Object को कहाँ पे रखें ताकि real image object पर ही बन जाए। देखो सीधी सी बात है कि ये जो diverging lens है ये तो rays को और diverge करता है, तो और diverge करता है इसका मतलब इमेज उसकी कुछ यहाँ पर बने। अब हम चाहते हैं कि इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये कॉनकेव मिरर इसको रीडायरेक्ट कर देना चाहिए, है ना, पाथ रिट्रेस हो जाना चाहिए। इसका मतलब आई मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। आई कहाँ पे लाई करना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर पे लाई करना चाहिए, तो फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस 20 हो जाएगी, तो ये जो डिस्टेंस है ना पूरी ये 20 सेंटीमीटर होनी। अब ये 20 है, ये 5 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर। अब ये जो पॉइंट है वो लेंस के लिए इमेज है, तो लेंस फॉर्मूला हम लगा दें 1/V -1/U = 1/F, V
बी को लिख देंगे -15, यू को लिख देते हैं -x, एफ को लिख देंगे -20, तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी 1/15 -1/20, 64 -3, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 67। x की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर पर रखना चाहिए। सर मिरर से जो रेस रिफ्लेक्ट होके आएंगी उसे लेंस रिफ्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा ना, बिल्कुल लेंस उनको रिफ्रैक्ट करेगा, लेकिन वो क्योंकि पाथ पूरा का पूरा रिट्रेस ही हो जाएगा ना बेटा। जैसे क्या हुआ, रेस यहां से गई ऐसे, फिर वो डाइवर्ज हुई, अब मिरर ने उनको एक बार ऐसे रिफ्लेक्ट किया, तो फिर ये जो लेंस है ये भी क्या करेगा, जब उनको रिफ्रैक्ट करेगा तो वापस सेम पाथ के अलोंग रिफ्रैक्ट कर देगा, तो वो वापस फाइनल रेस जा करके ऑब्जेक्ट पर ही मिल जाएगी, और बस ये बीच में एक इंटरमीडिएट इमेज बस। समझ में आई बेटे? मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लेंस रिफ्रैक्ट करेगा, लेकिन वो भी अपना पाथ रिट्रेस ही हो जाएगा, तो रिट्रेस होकर के इसीलिए तो वापस ऑब्जेक्ट पर बन रही है फाइनल इमेज, है ना। देखो टोटल कितनी इमेज बनाई हमने, एक लेंस से आई वन, फिर एक मिरर से वो हो गई आई टू, तो आई वन आई टू सेम जगह पे बन गई, फिर लेंस से वापस तो आई थ्री, तो ये फाइनल इमेज। अच्छा उसके बाद डाउट है F12 का मैडम, अब F12 में क्या है बेटे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 15 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 25 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है कॉनकेव मिरर है 15 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं, अगले पेज पे इसको बनाना पड़ेगा। There is a convex lens and there is a convex mirror, और ये एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए। The focal length of the lens is 25 सेंटीमीटर, and radius of curvature of the mirror is 80 centimeters. Where should a point source be placed between the lens and the mirror so that light after getting reflected by the mirror and then getting refracted by the lens comes out parallel to the, देखो पहले एक तो point source को इन दोनों के बीच में ही रखना है, पहले mirror से reflection कराना है और फिर lens से refraction कराना है। बोल रहे हैं कि हम एक कहां पर रखें एक पॉइंट सोर्स को ताकि मिरर से हो रिफ्लेक्शन और फिर लेंस से हो रिफ्रैक्शन, तो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाए। तो देखो क्या होगा, इन रेस को एक्सटेंड करो, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, मिरर ने इमेज बनाई आई वन पर, अब आई वन की डिस्टेंस, आई वन की डिस्टेंस लेंस से क्या होनी चाहिए, क्या कि ताकि ये पैरेलल हो जाए,
वो फोकल लेंथ के बराबर की डिस्टेंस होनी चाहिए, इसका मतलब ये पूरी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये पूरी डिस्टेंस होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, और ये 25 है, ये 15 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जानी चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट मिरर से मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे है, तो मिरर के लिए मेरे को एक्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करनी है, तो फॉर्मूला लगा देता हूं, 1/v + 1/u = 1/f। तो क्या हो जाएगा, v हमें पता है +10 लेना है, u को -x लेना है, और फोकल लेंथ को 40 ले लेना। तो क्या आ जाएगा, 1/10 - 1/40 = 1/x। तो यहां से हमारे पास 40 एलसीएम आ जाता है, 4 - 1 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40/3, है ना, यानी 13.33 सेंटीमीटर पर इमेज बने, मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए किससे, मिरर से। क्वेश्चन में मिरर से ही पूछा है क्या, क्वेश्चन में पूछा है वेयर शुड ए पॉइंट सोर्स बी प्लेस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर, स्पेसिफिकली कुछ कहा नहीं है, तो मिरर से इतनी होनी चाहिए, और लेंस से अगर आंसर बता रखा है तो 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो लेंस से पता, ठीक है, समझ में आया भाई, F12 समझ में आया सबको, फिर उसके बाद बात करते हैं F13। हाँ भाई सुन पा रहे हैं ना मेरे को, ओके ओके, हाँ भाई कुछ यस नो कुछ बोलते रहो यार, वरना क्या है पता नहीं सर, तो पहले की तरह मेरे को लगता है कि डिस्कनेक्ट हो नहीं। F13 की बात करते हैं, F13 क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर, नहीं, मेरे को नहीं पता चला, मेरे स्क्रीन पर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं लिखता जा रहा था व्हाइट बोर्ड पर, एंड वो जो रिकॉर्डिंग की जो लाइट जल रही होती वो लाइट भी जल रही थी, दो अच्छा दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, F13 क्या है बेटे, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज F12 को दोबारा समझाने की बात हो रही है, देखो ये रहा F12 आपकी स्क्रीन पे है, उन्होंने कहा था कि भाई लेंस और मिरर, एक कन्वर्जिंग लेंस है एक कॉन्वेक्स मिरर है, और दोनों के बीच में 15 सेंटीमीटर का गैप है, और हम चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में इस तरह से रखना कि ऑब्जेक्ट से रेज जब मिरर पे गिरे, मिरर उनको रिफ्लेक्ट करे, लेंस पे भेजे, और लेंस उनको क्या करे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दे, तो उस हिसाब से ऐसा डायग्राम बनता है। अब देखो लेंस पैरेलल कब कर देगा, लेंस पैरेलल कब कर देगा, जब उसके -f वाले पॉइंट से रेज आ रही होगी, ठीक है, तो कहां लेंस पे कहां से रेज आनी चाहिए, क्योंकि लेंस की फोकल लेंथ हमें 25 सेंटीमीटर कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है, तो I1 की डिस्टेंस लेंस से 25 हो जानी चाहिए, सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा। अब I1 क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो मिरर ने इमेज बनाई वो I1, अब ये डिस्टेंस 25 है और मिरर और लेंस के बीच की दूरी 15 दी हुई है, तो 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब मिरर ने जो इमेज बनाई वो 10 सेंटीमीटर पीछे बनाई, मतलब कैसी इमेज बनी,
वर्चुअल इमेज बनी। तो अच्छा, मिरर के लिए जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये रेज जो है वो राइट साइड में जा रही होगी, तो राइट साइड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर x मानते हैं अपन, तो u को तो माइनस x लिख देंगे, v को प्लस 10 लिख देंगे, और f को भी पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स है, तो 40। ऐसे x की वैल्यू है। देखो f 13 की बात करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एक 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का कन्वर्जिंग लेंस है और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, उससे 30 सेंटीमीटर पे रखा। अब देखो ध्यान दो, ये 30 सेंटीमीटर तो 15 का ट्वाइस है ना, ये पॉइंट तो माइनस 2f है, तो इमेज कहां पर बनती है, प्लस 2f पर। ऑब्जेक्ट माइनस 2f को हो तो इमेज बनती है कहां पे, प्लस 2f। तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बन गई। अब इसके बाद क्या है बेटे, a glass plate of thickness 3 cm is placed on the other side of the lens perpendicular to the axis, find the position of the image. अब ये लेंस तो यहाँ पर इमेज बना रहा होगा, ये बोल रहे हैं हमने क्या किया, बीच में एक ग्लास स्लैब रख, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो रेज आगे जा रही थी वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं आई। अब क्या होगा, देखो ये ग्लास स्लैब का काम क्या होता है, शिफ्ट कर देता है। अब ये आई वन जो है ना, आई वन इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर ग्लास स्लैब, आई वन इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर ग्लास स्लैब, आई वन इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर ग्लास स्लैब। तो क्या होगा बेटे, तो ये I1 शिफ्ट करता है, मतलब ये स्लैब शिफ्ट करता है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, तो राइट में ही शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, शिफ्ट का फॉर्मूला होता है टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, दैट इज थिकनेस कितनी है इसकी, थिकनेस है 3 सेंटीमीटर इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, म्यू को क्या लिख देंगे 3/2, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू वन माइनस 2/3, वन माइनस 2/3 को क्या लिखेंगे 1/3, तो ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट विल बी ऑफ 1 सेंटीमीटर, और किस डायरेक्शन में, राइट साइड में ही शिफ्ट होगा, है ना, क्योंकि इंसिडेंट रे राइट में जा रही है तो राइट में ही शिफ्ट होगा, तो फाइनल इमेज यहां से 1 सेंटीमीटर और राइट में बदल, ठीक है, तो लेंस से दूरी क्या हो जाएगी 30 + 1 सेंटीमीटर, यानी फाइनल आंसर अपने को क्या मिल जाएगा, 31 सेंटीमीटर। देखो ध्यान दो, क्योंकि बीच में स्लैब आ गई ना बेटे, बीच में स्लैब आ गई, तो आई वन जो है वो स्लैब के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, लेंस ने तो रियल इमेज ही बनाई है, फॉर लेंस हम क्या कहेंगे, इमेज रियल है, ठीक है बेटे, लेकिन स्लैब के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वर्चुअल, है ना, स्लैब के लिए ऐसा हो गया ना बेटे, क्योंकि स्लैब पर क्या हुआ, देखो
स्लैब पर रेज ऐसे कन्वर्जिंग बीम आकर के गिर रहा है। इंसिडेंट रेज इस तरह की है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज होता है ऑब्जेक्ट। अब जहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है मतलब वो आई वन वाला जो पॉइंट है वो स्लैब के लिए एक्चुअल में वहां पर रेज जा नहीं पा रही ना, तो स्लैब को क्या लगेगा, फॉर स्लैब आई वन इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा तो ये हमारे पास हो गया कौन सा F13 हो गया। अब हमें बात करनी है किसकी, F14 की। F14 क्या है, कन्वर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड डाइवर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट। एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और एक डाइवर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की। विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडिंग बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड हैविंग अ बीम डायमीटर 5 mm इज इंसिडेंट ऑन द कॉम्बिनेशन शो दैट द इमर्जेंट बीम इज पैरेलल टू द इंसिडेंट वन। एक 5 mm डायमीटर का इंसिडेंट बीम पैरेलल बीम इस पर इंसिडेंट किया। देखो ये कन्वर्जिंग लेंस है, 10 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की तरफ भेज देगा इसको। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्टेंस अपने आप कितनी बचेगी 5 सेंटीमीटर। ये I1 क्या है, कन्वर्जिंग लेंस द्वारा बनाई गई इमेज। ये इमेज इस डाइवर्जिंग लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और देखो डाइवर्जिंग लेंस के लिए यही पॉइंट माइनस एफ है, I1 ही माइनस एफ है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ 5 है ना, तो क्या करेगा ये इन रेस को पैरेलल रिडायरेक्ट कर देगा। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, डायमीटर ऑफ इमर्जेंट बीम पता करना है। तो डायमर्जेंट ऑफ डायमीटर ऑफ इमर्जेंट बीम ये वाली लेंथ हो जाएगी, इसको डी बोल देते हैं। ये तो 5 mm हमें दिया ही हुआ है। देखो ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है आई। तो आई सी डी एंड आई ए बी, आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हमें पता चल जाएगा 5 mm डिवाइडेड बाय डी ये किसके बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 cm। तो D की क्या वैल्यू आ जाएगी 5/2 mm, मतलब कितना 2.5 मिलीमीटर जो है वो इमर्जेंट बीम का डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इमर्जेंट इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट इंटेंसिटी, जो रेशो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो एनर्जी तो जितनी इंसिडेंट में आ रही थी वो पूरी की पूरी बाहर चली गई, तो पावर अपॉन एरिया ये होती है एनर्जी। तो ये हो जाएगा
incident area divided by emergent. अब एरिया जो है वो डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, 4:1 रेशो। ये बात समझ में आती है बेटा? ओके ओके ओके, देखो भाई ये पैरेलल बीम इमर्ज हो जाएगी, ये तो समझ में आया ना, क्योंकि ये 10 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। पैरेलल रेज कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉन्वेक्स लेंस पे गिरेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस उसको अपने फोकस यानी 10 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की तरफ भेज देगा। अब ये 10 है, ये वाला 5 हमें दिया हुआ था, तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये डाइवर्जिंग लेंस से दूरी 5 सेंटीमीटर आ गई। डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ भी 5 दी हुई है, तो इसका मतलब डाइवर्जिंग लेंस को क्या लग रहा है, उसके माइनस एफ वाले पॉइंट की तरफ रेज जा रही है, तो वो उन रेस को पैरेलल कर देगा, तो इमर्जेंट बीम जो होगी वो इंसिडेंट बीम के फिर से पैरेलल हो जाएगी, एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब हमसे कहा है कि भाई इमर्जेंट बीम का डायमीटर पता करो, ये वाली वैल्यू पता करो, तो ये डी है। हमने ट्राइंगल कौन कौन से कंसिडर किए, ए आई बी एंड सी आई डी। ए आई बी ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, और सी आई डी ये छोटा वाला ट्राइंगल, और ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इन दोनों साइड्स का रेशो जो होगा 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय डी, वो किसके बराबर होगा, ये पूरी डिस्टेंस बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट जो कि 10 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट जो कि 5 सेंटीमीटर है, तो इमर्जेंट बीम का डायमीटर पता चल गया अपने को 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब इंटेंसिटी जो होती है वो होती है पावर अपॉन एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। तो बात क्या है कि दोनों बीम जो है वो सेम एनर्जी पर यूनिट टाइम कैरी कर रही हैं, पावर दोनों की सेम है, लेकिन क्या है, तो पावर अगर सेम है तो पावर अपॉन एरिया के हिसाब से जो इंटेंसिटी का रेशियो आएगा वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो क्या होगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, इमरजेंट एरिया अपॉन इंसिडेंट एरिया। तो 5 by 2.5 का होल स्क्वायर उससे आपके पास आ जाए। समझ में आया भाई? ओके, तो ये अपना हो गया F14। ठीक है, और उसके बाद क्या डाउट है बच्चों? G3, देखो G3 क्या है, देखो उसमें क्या दिया हुआ है, एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है ऑफ क्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कॉन्वेक्स साइड की रेडियस 20 सेंटीमीटर थी, है ना, तो कॉन्वेक्स साइड कौन सा हुआ, ये नीचे वाला कॉन्वेक्स साइड हुआ,
इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर दी हुई है और कॉनकेव साइड की 60 सेंटीमीटर दी, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 दिया हुआ है, और कॉन्वेक्स साइड इज सिल्वर्ड, इसको हमने ऐसे सिल्वर्ड कर दिया। वेयर शुड अ पिन बी प्लेस्ड ऑन द एक्सिस सो दैट द इमेज इज फॉर्मड एट द सेम प्लेस। तो देखो बेसिकली इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का क्वेश्चन है ना, तो इसको आप कैसे मान सकते हो, एक लेंस और साथ में है एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, रेडियस कितनी कितनी है 60 20 20, तो 1/2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस पता लगाते हैं, तो वो हो जाएगा NL/NS-1 × 1/R1 − 1/R2, तो 1/FL की वैल्यू लिख देते हैं 1.5 / 1 − 1 / R1 यानी 1/-60 − 1/R2, वो भी हो जाएगा −20, तो 1/FL की वैल्यू हो जाएगी 1.5 − 1 मतलब कि 0.5 मल्टीप्लाइड बाय क्या LCM आ जाएगा बेटे, ये माइनस और माइनस प्लस 20 हो जाएगा, तो 1/20 − 1/60 LCM ले लेते हैं, तो −1 + 3, तो 1/FL हो जाएगा 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 3 − 1 = 2, 2/60 तो 1/30, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस है 60 सेंटीमीटर। अब लेंस और मिरर के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला करें, तो 1/FEq = 1/FM − 2/FL, वो हाईली रिफ्लेक्टिंग हो जाती है, एक साइड जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, हाईली रिफ्लेक्टिंग हो जाती है, तो मिरर की तरह से काम करने लगती है, उसको पॉलिश कर देते हैं, सिल्वरिंग का मतलब क्या कर दिया, हाँ पॉलिश कर दिया उसको अच्छे से, और रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन होगा इस वाली साइड से या नीचे वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर को कितना लिख देंगे भाई, फोकल लेंथ ऑफ मिरर हो जाएगा −10, राइट, 20 का आधा −2/FL, दैट इज 60, तो कितना हो जाएगा बेटे, यहां से 60 LCM हो गया −6 − 2, तो F इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी −60/8, तो दैट इज कितना −3/2 −7.5, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, है ना, देखो F इक्विवेलेंट −7.5 आया, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन जो है वो 7.5 15 सेंटीमीटर के रेडियस के कॉनकेव मिरर की तरह से एक्ट कर रहा है, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख दो तो इमेज वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन जाएगी, है ना, ये पूरा का पूरा कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ व्हाट, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर रख दो तो इमेज इसकी वापस कहाँ बन जाएगी, 15 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज फिर से बन जाएगी, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि हमने ये जो ऊपर जो पार्ट था इसका उसको क्या किया, पानी से भर दिया, 4/3 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अब हमारे पास ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, दो लेंस और एक मिरर से बनने वाला
ये सिस्टम होता है। इट इज मेड अप ऑफ टू लेंसेज एंड अ मिरर। तो ये है 4/3, ये है 3/2। तो अब देखो, ये ऊपर वाले लेंस की फोकल लेंथ अलग से पता कर लें, उसको 1/FL1 बोल देता हूं मैं, तो वो हो जाएगा 4/3/1-1 इंटू 1/R1-1/R2। ठीक है, अपर सरफेस की रेडियस थी 60, तो इसके लिए हो जाएगा -60। 4/3-1 is 1/3 × 1/60, तो ये 1/180 है। अब 1/F equivalent को क्या लिखना है, 1/FM - 2/FL। अब ये जो -2 × 1/FL लिखा हुआ है, इसको 1/FL1 + 1/FL2 लिखते हैं, तो इसका मतलब 1/F equivalent की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/FM। FM तो था कितना, -10 - 2 × 1/FL1, तो वो हो गया 1/180 प्लस 1/FL2, तो वो आया था 6। क्या हो गया पूरा, -1/10 - 1/90 - 1/30। तो इस पूरे सब में से हम क्या करें, LCM ले लें 90 को, तो 9 + 1 + 3, ये ऐसा। ये बात समझ में आती है बेटे, तो इससे हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अब क्या आ गई, अब आ गई -90/13। तो एक रेडियस क्या हो जाएगी इसका, ट्वाइस, तो 180/13, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 3। अब देखो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा हमको, अगर शिफ्टिंग की बात है तो हम लिख सकते हैं भाई, पहले कहां पर रखना पड़ रहा था मेरे को ऑब्जेक्ट, 15 सेंटीमीटर पर रखना पड़ रहा था, अब यहां पर रखना पड़ रहा था। ठीक है, तो 15 - 180/13 ऐसा कर सकते हैं। करेंगे तो कितना आएगा, 195 - 180, तो 15/13 cm कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है भाई बच्चों सबको,
और बोलिए भाई, और क्या डाउट है? H5। एक बार पहले ये H सेक्शन अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं पुराने क्वेश्चंस पे आऊंगा। H5 देखो, H5 क्या है बेटे? अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 5 डिग्री जीरो पॉइंट जीरो सेवन और येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना? 1.30। इसको हमने कंबाइन कर दिया एक और प्रिज्म के साथ जिसके लिए जिसकी ओमेगा की वैल्यू है 0.08 और येलो का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1.50। उसका अपेक्स एंगल हमें नहीं दिया गया है। फाइंड द नेट एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस बाय कॉम्बिनेशन। अच्छा, इनको पहले तो कैसे कंबाइन किया है? द कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस नो डेविएशन इन द मीन रे, ठीक है? तो डेल्टा ऑफ येलो इज जीरो, तो डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई टू इक्वल टू जीरो। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज कर दिया होगा ताकि नेट डेविएशन इतना आ रहा है और वो जीरो आ जाए। इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए? डेल्टा वाई वन बराबर हो जाना चाहिए डेल्टा वाई टू के। डेल्टा वाई वन को क्या लिखेंगे? डेल्टा वाई वन को लिखेंगे म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। ये हो जाएगा म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। तो म्यू वाई हो जाएगा 1.30 माइनस वन इंटू ए इक्वल टू 1.50 माइनस वन इंटू ए डैश। तो 1.30 माइनस वन कितना आ जाएगा? 0.3 इंटू फाइव इक्वल टू 0.5 इंटू ए डैश। तो ए डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी? 10 इंटू पॉइंट। तो ये 3 डिग्री के बराबर का दूसरे वाले प्रिज्म का अपेक्स एंगल आ जाएगा। एक पार्ट तो ये हो गया है। फिर आगे वाले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? नेट एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस बाय कॉम्बिनेशन व्हेन बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू इट। तो नेट डिस्पर्शन क्या हो जाएगा? थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है? अच्छा ध्यान दो, अब ये थीटा कहाँ से लेके आए? ओमेगा से लेके आओ। ओमेगा वन को लिख सकते हैं थीटा वन डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई वन। तो थीटा वन हो जाएगा ओमेगा वन डेल्टा वाई वन। उसी तरह से थीटा टू हो जाएगा ओमेगा टू डेल्टा वाई टू। तो ये हो जाएगा ओमेगा वन डेल्टा वाई वन माइनस ओमेगा टू डेल्टा वाई टू। और देखो डेल्टा वाई वन और डेल्टा वाई टू को तो आप पहले से इक्वेट कर चुके हो, तो ये सिंपली हो जाएगा ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। किसी भी एक की वैल्यू पुट कर दो, तो 0.08 माइनस 0.07 इंटू डेल्टा वाई वन। डेल्टा वाई वन क्या हो जाएगा? 1.30 माइनस वन इंटू फाइव। ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, दोनों बराबर है, कोई भी एक पुट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 0.01। 1.30 माइनस वन इज 0.3 इंटू फाइव। तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 इंटू फाइव 1.5। ये आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेसिकली 15 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3। या 0.015 का एंगल ऑफ डिस्पर्शन आ गया। और भी कुछ पार्ट है क्या इसके? और पार्ट है, क्या पूछ रहे हैं? इफ द प्रिज्म्स आर सिमिलरली डायरेक्टेड देन व्हाट विल बी डेविएशन इन द मीन रे।
एंड द एंगुलर डिस्पर्शन सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन सिचुएशन सी, तो उस केस में बेटे सब्ट्रैक्ट करने की जगह हमको ऐड कर देना है ना। इफ द प्रिज्म्स आर सिमिलरली डायरेक्टेड, तो डेल्टा मीन कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ डेल्टा मीन ड्यू टू सिंगल प्रिज्म, तो दैट विल बी 2 इंटू 1.30 माइनस 1 इंटू 5 डिग्री, दैट विल कम आउट टू बी 2 इंटू 0.3 इंटू 5, दैट इज 3 डिग्री, ये डेल्टा मीन हो जाएगा। और एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या हो जाएगा? That will be theta 1 plus theta 2, right? So that will be theta 1 को क्या लिख सकते हैं? Omega 1 delta y 1, और ये इसको लिख सकते हैं omega 2 delta y 2, and delta y 1 is delta y 2 is equal, so omega 1 plus omega y 2 into delta y 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो ओमेगा 1 था 0.08, ये था 0.07 इंटू डेल्टा वाई 1, वो था 1.30 माइनस 1 इंटू 5 डिग्रीज, तो 0.08 प्लस 0.07 ये हो गया 0.15 इंटू 0.3 इंटू 5, तो आ जाएगा 0.15 इंटू 1.5। तो इसको अपन लिख सकते हैं 225 इंटू 10 की पावर माइनस 3 या 0.225। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। और बोलिए भाई। I2 क्या है वो देखते हैं। An angular magnification, magnifying power of 30x is desired using an objective of focal length 1.25 and eyepiece of focal length 5 cm. Objective of 1.25 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter, और कितनी magnifying power चाहिए हमें? 30। How will you set up the compound microscope for normal adjustment? Normal adjustment का मतलब उन्होंने दे भी रखा है final image at infinity, नहीं भी दे रखा हो तो हमें मान लेना है। Normal adjustment का मतलब होता है final image at infinity। तो देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? मॉड वी ओ डिवाइडेड बाई मॉड यू ओ, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा मॉड वी ओ डिवाइडेड बाई मॉड यू ओ इंटू 1 प्लस कैपिटल डी, दैट इज 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा मॉड वी ओ बाई मॉड यू ओ इंटू 5, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6, दैट इज 30। तो मॉड वी ओ बाई मॉड यू ओ की क्या वैल्यू आ जाएगी? दैट इज 5, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट अगर उससे x डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पर बन रही है? इमेज उससे बन रही है 5x डिस्टेंस, यही तो है मॉड पीओ बाई मॉड यू इक्वल टू 5 का मतलब। इमेज डिस्टेंस इज 5 टाइम्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फॉर्मूला लगा दें 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो दैट इज 1.25। यहां से
आपके पास 5x एलसीएम आ जाएगा, 1 + 5 इज इक्वल टू 1/1.2, क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 6 / 5x इक्वल टू 1/1.5, तो x आ जाएगा 6 × 1.25 / 5, सिक्स इंटू 0.25 तो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। तो हाउ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप शुड बी सेटअप का आंसर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट उससे 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, और देखो इमेज आईपीस फाइनल इमेज बनाता है वो इन्फिनिटी पर बनाता है, उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो इंटरमीडिएट इमेज है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये डिस्टेंस तो एफ ई यानी 5 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यानी लेंथ ऑफ ट्यूब को हम लिख सकते हैं 5x + 5, तो 5 × 1.5 = 7.5 + 5, मतलब कितना 12.5 सेंटीमीटर ये हो जाना। ठीक है बेटे, और बोलिए। और क्या डाउट है भाई इसके बाद? I3 पे डाउट। तो बेटे I3 क्या है? अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू इमेज द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन बी इंफिनिटी, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस। तो पहला है, देखो देखो जो इमेज बनती है वो फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे दी हुई है, तो फाइनल इमेज तो आईपीस बनाता है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दें हम, 1/v - 1/u इज 1/ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, तो v को लिख देते हैं -25, और उससे ऑब्जेक्ट अगर x डिस्टेंस पे है तो इक्वल टू 1/6, तो 1/x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/6.25 + 1/25, तो यहां से 25 एलसीएम आया, और ये हो गया 4 + 1, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो क्या हुआ आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है ना, तो ये है आईपीस, इससे ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा लेंथ ऑफ ट्यूब ध्यान दो, हमें 15 दी हुई है, ये 15 दी, इसका मतलब ये वाली दूरी क्या आ जाएगी, 15 - 5, ये दूरी 10 आ जाएगी। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है वो हमें पता करना है, तो उसको मान लेते हैं कुछ स्मॉल डी डिस्टेंस पे रखा। अब ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला लगा दो, उसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 1/b - 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/10 + 1/d इज 1/2, तो 1/d की वैल्यू आ जाएगी 1/2 - 1/10, तो ये 10 एलसीएम आता, 5 - 1, तो d की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 10/4, मतलब 2.5 सेंटीमीटर पे रखना चाहिए। कब? जबकि इमेज बन रही हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे। इसमें मैग्नीफाइंग पावर अगर हम लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड बी ओ बाई मॉड यू को इंटू 1 + b / f। व्हाट इज मॉड वी ओ, मॉड वी ओ इज 10, मॉड यू ओ इज 2.5 इंटू 1 + 25 / 6.25, तो ये कितना आ जाएगा,
10 डिवाइडेड बाय 2.5 तो यानी कि 440 नहीं, ये कितना आएगा, 4 × 5 मतलब 20 का मैग्नीफाइंग पावर इसमें है। और फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पर बनवानी, फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पर बनवानी है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये अगर आईपीस है तो इससे तो कितनी दूरी पर होना चाहिए, इसकी फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर है तो यहां से तो ऑब्जेक्ट 6.25 पे ही होना चाहिए। अच्छा दोनों के बीच की दूरी तो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर में से 6.25 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर कितना आ जाएगा भाई, 8.75 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस 8.75, फिर उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे 1/v - 1/u = 1/, तो 1/v ऑब्जेक्टिव के लिए भी इक्वेशन लिख रहा हूँ, v को लिख दूंगा 8.75, माइनस u को माइनस d मान लेते हैं, इक्वल टू 1/f, उसकी फोकल लेंथ तो 2 सेंटीमीटर, तो 1/d की वैल्यू आ जाएगी 1/2 - 1/8.75। तो यहां से क्या है 2 × 8.75 - 2 6.75 / 2 × 8.75 तो कितना आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 17.5 / 6.7, ओके बेटे। हाँ पार्ट टू के डाउट्स पूछ लो भाई, पार्ट टू में क्या डाउट्स हैं। नहीं, इस क्वेश्चन को इक्विवेलेंट लेंस की मदद से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। H6 देखो ये क्या है, हाँ बेटे इसका आंसर तो जीरो होगा ना, क्योंकि देखो पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, क्या दिया हुआ है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम हमने यूज किया, तो 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट मतलब वो तो सिंगल वेवलेंथ हुई, सिंगल वेवलेंथ का तो डिस्पर्शन होगा ही नहीं, सिंगल वेवलेंथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट, तो सिंस इट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट इसका मतलब क्या है, नो डिस्पर्शन एट ऑल,
है बेटे भाई, वो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिए हुए हैं, वॉयलेट के लिए इतना है, रेड के लिए इतना है, ये सब दिया हुआ है, लेकिन जब तक आप उस पर व्हाइट लाइट डालोगे ही नहीं तो डिस्पर्शन होगा कैसे? फॉर डिस्पर्शन टू हैपन यू मस्ट इंसिडेंट व्हाइट लाइट ऑन इट। अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में बस इतना सा चेंज कर देते, क्या लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम की जगह लिख देते व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट एट स्मॉल एंगल ऑन ए प्रिज्म ऑफ अपेक्स एंगल 4 डिग्री, है ना? पहले तीन शब्दों को हटा करके, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम को हटा करके क्या लिख देते? व्हाइट लाइट लिख देते, तो फिर जैसा तुमने किया वो फॉर्मूला आ जाता एन वी माइनस एन आर इंटू ए। लेकिन हमने लाइट कौन सी इंसिडेंट करी है? सिंगल वेवलेंथ की, तो उसमें कोई डिस्पर्शन नहीं होगा बेटा। और बोलो, जीवन, जीवन क्या है? टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेस, ईच ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं, दोनों की फोकल लेंथ कितनी है? 10-10 सेंटीमीटर। ये दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 3/2। देखो लेंस फॉर्मूला लगा करके हम ये रेडियस पता लगा लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। तो 1/10 इज 3/2 - 1, 1/∞ - 1/-r। तो 3/2 - 1 इज 1/2 × 1/r। तो R की क्या वैल्यू आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर R की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है कितना? इस मीडियम का 4/3 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा? बीच वाले का फोकल लेंथ अब पता लगा लेते हैं, तो वो हो जाएगा 4/3 - 1 × 1/-5 - 1/+5। 4/3 - 1 is 1/3 × -2/5। तो F की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? -15/2, यानी -7.5 सेंटीमीटर। अब 1/F इक्विवेलेंट लिखना है, तो 1/F1 + 1/F2 + 1/F3 करना पड़ेगा, यानी 1/10 + 1/10 और -2/15। तो एलसीएम कितना आ गया? 30, ठीक है? 3 + 3 - 4, तो 6 - 4 = 2/30। तो एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1/1/2/30। एफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटे? और ऑप्टिकल पावर पता लगानी है, तो ऑप्टिकल पावर कैसे पता लगाएंगे? 1/0.15, दैट इज 100/15, 6.66, ये ऑप्टिकल पावर आ जाएगी। ठीक है भाई, और क्या डाउट्स हैं? F2 5 6 7,
Two symmetric double convex lenses A and B have same focal length, but the radii of curvature differ so that RA is 0.9 RB. If NA is 1.63, find NB. दोनों की फोकल लेंथ हमें सेम दी गई है बेटे, तो दोनों की फोकल लेंथ सेम दी गई है, इसका मतलब क्या है, 1 by F1 equal to 1 by F2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा NA minus 1 into 1 by RA minus 1 by minus RA, और ये हो जाएगा NB minus 1 into 1 by RB minus 1 by minus R. So NA minus 1 into 2 by RA, ये बराबर हो जाएगा NB minus 1 into 2 by RA. क्या हो जाएगा बेटे, NA को क्या लिख देंगे, NA refractive index of A वो हमें कितना दिया हुआ है, 1.63, तो 1.63 minus 1 कितना हो जाएगा, 0.63 into 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो 1 by RA is equal to NB minus 1 into 1 by RB. अच्छा, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक बात और दी गई कि RA is 0.9 RB, RA is 0.9 RB, तो 0.63 इसको 0.9 RB लिख सकते हैं, NB minus 1 into 1 by RB. ये RB से RB cancel हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 0.7. तो NB की क्या value आ जाएगी बेटे, 1.7, ये NB cancel. ये कौन सा question हो गया, ये हो गया F, ठीक है. और क्या डाउट है बेटे, F5 क्या है, देखो बेटे F5 में हमें दिया हुआ है कि sun subtends an angle 0.5 degree at the surface, converging lens of focal length 100 centimeter is used, diameter, तो F theta formula लगाना है, F5 में आपको कौन सा formula लगाना है, F theta, focal length कितना दिया हुआ है, 100 centimeter, और एंगल कितना दिया हुआ है, 0.5 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो इसको लिख लो 0.5 इनटू पाई बाय 180, तो आपके पास सेंटीमीटर में ही आंसर फाइनली आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 इनटू इसको क्या लिख लेंगे भाई, वन बाय टू लिख सकते हैं, तो ये 3.14 डिवाइडेड बाय 360 ऐसा, F6, देखो F6 में क्या है, वो बोल रहे हैं कि साहब एक लेंस है F फोकल लेंथ का है ना, और वो क्या करता है, देखो मान लो पैरेलल रेज आ रही हैं, तो ये क्या कर रहा था, इन सारी रेज को ओके बच्चों देखो बस ये वाला क्वेश्चन सुन जाओ, तो सारी रेज को एफ पे फोकस कर रहा था, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, कुछ पार्ट को ब्लॉक कर दिया, इतने पार्ट को ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा, जो पार्ट जिस वाले पार्ट पे आने वाली रेज अब आगे नहीं जा पाएंगी, ये रेज आगे नहीं जा पाएंगी, लेकिन जितनी रेज बची हैं वो तो अभी सेम ही जगह पे जाएंगे ना, इसका मतलब फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा. अच्छा अब क्या हो गया है, देखो जितने एरिया में ये रे फोकस हो रही थी वो एरिया सेम रहा है, वो एरिया सेम रहा है, लेकिन क्या हुआ है,
जितनी पावर आगे जा रही थी वो पावर कम हो चुकी है, कितनी कम हो चुकी है, एरिया के प्रोपोर्शन में वो पावर कम हो जाएगी, है ना। तो हमने डी बाई टू डायमीटर ब्लॉक कर दिया, मतलब ए बाई फोर एरिया ब्लॉक कर दिया, तो ए बाई फोर एरिया ब्लॉक कर दिया तो पी बाई फोर पावर ब्लॉक हो गई, तो कितनी पावर बची, पी माइनस पी बाई फोर, मतलब कितना, थ्री पी बाई फोर पावर बची, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, थ्री आई बाई फोर, और फोकल लेंथ एफ हो जाएगी, ऐसा। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई, बाकी जो है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई हैव अदर क्लास, तो